दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है ललित भाई के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है और आज जो त्यौहार है हमारे पंजाबी भाई बहनों का और हमारा भी त्यौहार है भाई। मैं तो पहले जलाता था यार, अब तो फिर भी कोरोना की वजह से मैं बहुत ही कम बाहर निकलता हूँ। आग वाग जला के मूंगफली छील के खाते थे, अब चलो घर में बैठ के खाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक, मूंगफली हो गई भाई। और आपने देखा ही होगा पिछली वाली वीडियोज में हमने तिल के लड्डू और लाई के लड्डू बनाए थे, पफ राइस के लड्डू भाई, बहुत बढ़िया बने थे यार, क्या बताऊं। और खुद से बनाए थे तो और बढ़िया बने थे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं लोहरी की, मकर संक्रांति की और पोंगल की। यार मुझे ना पोंगल का ना त्यौहार मैंने आज तक कभी देखा नहीं, पर मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर में देखूं। और अगर कोरोना नहीं होता तो मैं हो सकता साउथ जाता अपने दोस्तों के साथ और वहां पे जरूर देखता। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, इसलिए क्योंकि जो भी हमने पीछे वीडियो डाली थी तो उस पर कॉमेंट आया था कि लक्की भाई, ललित भाई, अंजलि दीदी, ये बताइए कि हम YouTube चैनल कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। और नहीं भी तो कम से कम 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे कि भाई कैसे पेमेंट रिसीव करें, कैसे चैनल खोले। तो सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बता रखी वीडियो में। और आपको जो भी चीज जैसे कि फोन चाहिए, जो मैंने फोन सजेस्ट करा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माइक भी बताया मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जो भी बेसिक चीजें हैं जो हमें यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए अच्छी होती है, मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। सबसे जो आसान चीज है आपको बताता हूँ यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए, बस आपको क्या करना है कि अपनी एक ईमेल बनानी है और यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आके कमेंट करेंगे तो आपसे नाम पूछता है कि आप कोई भी नाम रख सकते हो, या तो यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट है यूट्यूब चैनल, तो आपको इजीली एक वीडियो मिल जाएगी, उसको वॉच कर लें। क्योंकि अगर मैं इन सब चीजों पे वीडियोस बनाऊंगा तो भाई ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, कम से कम 4-5 घंटे की। तो उसके बाद आपको एक लोगो बनाना है और एक चैनल आर्ट बनाना है। तो जो आपका लोगो होता है वो आप लिखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ लोगो फ्रॉम यूट्यूब, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अगर मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो फ्रीलांसर या जैसे कि फाइबर या कहीं भी जा सकते हैं, या अपने दोस्तों काफी लोग तो बनाते भी हैं। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि आप खुद से ही बनाएं, मजा आता है, हमें बहुत मजा आता है। और दूसरा सवाल है कि भाई वीडियोस कैसे बनाते हो। तो वीडियोस बनाने के लिए ये नहीं कि यार आपको बहुत तगड़ा कैमरा चाहिए कि भाई हाँ DSLR ही चाहिए तभी जाके यूट्यूब पर आ सकता हूँ। तो ये वैसे मेरा सबसे पहला DSLR है, 700D है। ठीक, उस टाइम पे ये कैमरा बहुत बीच था, मतलब जिस प्राइस में ये कैमरा था अराउंड 30-50,000 में था, जैसे दो लेंस मिले थे। तो उस टाइम ये कैमरा बहुत बढ़िया था यार, और आज भी इस कैमरे को काफी अच्छे से यूज में मैं ले लेता हूँ, पर स्टिल इसकी बैटरी थोड़ी बहुत दिक्कत देती है, तो कोई नहीं, पर पुराना भी हो गया। तो सवाल जो था उसको कंटिन्यू करते हैं कि भाई यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाए। तो डिपेंड करता है कि व्लॉग बना रहे तो आप मेरी तरह, जैसे कि एक फोन मान लीजिए, इसको आपको ऐसे करना है और इस तरीके से आपको फोन से शुरू कर देना है व्लॉग कि हाँ दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मान लो मैंने गलत बोल दिया कि हेलो दोस्तों, मैंने जैसे कि मैंने कुछ भी गलत बोल दिया, तो उसको हम एडिट करते हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फोन कैसा होना चाहिए। फोन कैसा भी नॉर्मल चलेगा भाई, जरूरी नहीं है कि भाई अपनी जॉब छोड़कर या कुछ भी छोड़कर आप यूट्यूब पर आए। सबसे पहले यार आप अपना यूट्यूब को आराम से इजिली शुरू कर दे भाई, कैसे भी। ठीक, ये फोन तो हमारा सबसे पहला फोन है जिससे हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी। इस फोन को मैंने अभी हाल ही में ही ठीक करवाया है और ये फोन भाई अराउंड हमें पड़ा था 3,000 रुपए का, जो उस टाइम बहुत पहले की बात है। तो मैं इस फोन को आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ और बहुत अच्छा कोई कैमरा नहीं है यार, कम से कम नहीं भी तो 5 मेगापिक्सल कैमरा होगा, जो बस कीपैड को छोड़ के सारे मोबाइलों में आजकल मिलता है। तो बस आपके पास कीपैड है तो आपको एंड्रॉइड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आपकी वीडियो एडिट होगी, इसी से वीडियो शूट होगी और इसी से ही वीडियो आपकी अपलोड होगी। तो आपको जैसे कि सबसे अच्छा सेटअप होता है एक DSLR और एक लैपटॉप पर में, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फोन है तो भाई आप तब भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। इसी से लोगो बनेगा, इसी से चैनल बनेगा और इसी से ही सब कुछ बनेगा भाई, वीडियो भी इसी से ही बनेगी, जो बस कीपैड को छोड़ के सारे मोबाइलों में आजकल मिलता है। तो आपको कैमरा दिखा देता हूँ कि बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था, दिखाता हूँ मैं। डेट पे मत जाना भाई, इसका टाइम और डेट खराब हो रखा है, मैंने उसको बहुत दिनों से स्विच ऑफ कर रखा था और आज भी ये फोन एकदम ठीक चलता है। जैसे कि मैं आपको इसका कैमरा दिखाता हूँ, ये देखिए इसका कैमरा इस क्वालिटी का है कि आपके फोन के कैमरे इससे बहुत बढ़िया होंगे। देख रहे हो भाई, कोई क्वालिटी ज्यादा खास नहीं है, फिर भी हमने इस फोन से कम नहीं भी तो एक महीने तक वीडियो बनाई है, कम से कम 30-40, उससे भी ज्यादा ही बनाई होगी। 30-40 मैंने बहुत कम बोल दी, कम से कम 100 वीडियो बनाई है भाई। ठीक है, 30-40 मैंने बहुत कम बोल दी, क्योंकि जब मेरी पहली पेमेंट आई थी तब हमने उससे फोन नहीं, पहली पेमेंट से फोन नहीं करता था, किसी और पेमेंट से फोन करता था। तो भाई जब याद करता हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो फिर हमने एक 8,000 का फ़ोन करता था, जो आपके पास आज भी नॉर्मल होगा, उसका 8 मेगापिक्सल कैमरा था। तो जो भी मेरा फ़ोन है इसका फ्रंट का कम से कम 8 मेगापिक्सल कैमरा है, समझ रहे हो भाई। तो आजकल तो हर सबके पास ही अच्छे फ़ोन है, और डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस तरीके का। अगर आप रेसिपी चैनल शुरू कर रहे हैं तो आपने हमारे मम्मी का चैनल देख ही रखा होगा, बस आपको रेसिपीज के लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि सर्विंग कैसे करते हैं और जो भी रेसिपी है उसको थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा बस।
और आपको लगता है कि भाई आपकी साउंड अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको अपनी साउंड क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, काफी बार ये होता है कि रेसिपीज में होता है या बहुत सारी मैंने वीडियोज में देख रखा है कि साउंड अच्छी नहीं आती है, तो आप एक माइक यूज कर सकते हैं बोया का। ये M1 माइक है, इसकी लेंथ काफी बड़ी होती है, देखिए देख रहे हैं कितनी सारी तार है। तो ये बोया का M1 माइक है, ये मेरे पास एक दो पीस है क्योंकि मैं कभी कभार वॉइस ओवर करके वीडियो डालता हूँ। हमारे पास एक वायरलेस माइक भी है। तो बहुत ही सिंपल है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, और आपने वीडियोस क्रिएट कर ली तो आप उसमें टाइटल और टैग कैसे लिखेंगे बहुत ही आसान है। आपने जो भी करा उस वीडियो, मान लीजिए कि मैंने आज बनाई आलू की सब्जी, तो मैं लिख दूंगा कि आलू की सब्जी, ठीक। या आप जितना क्रिएटिव कर सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, और आलू की सब्जी बनाने का नया तरीका है, तो आज हमने बनाई बिहारी स्टाइल आलू की सब्जी। तो बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो खैर मैं टैग टाइटल नहीं लिखता हूँ, मेरा भाई लिखता है, पर थोड़ा बहुत अंदाजा रहता ही है। और उसके बाद मान लो कि अब काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई पैसे कैसे आते हैं, तो पैसे का भाई एक ही फंडा है कि आपके पैसे का एक ही फंडा है कि आपके 4000 घंटे पहले, जो सबसे मुश्किल होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर, ठीक। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई मैं पहली वीडियो डाल के नहीं अर्निंग कर सकता, तो कर सकते हो भाई, आपको क्या करना है, बस अपना अमेजोन का एफिलिएट लिंक डालना है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियोस कैसी है। मैं तो बोलूंगा कि भाई कम से कम हफ्ते में 2 ही वीडियो डालो, पर अच्छी डालो भाई, ये नहीं कि हाँ चलो बना दी तो डाल दी। अच्छी वीडियोस बनाओ कि लोगों को अच्छा लगे, आपको पहले खुद को अच्छी लगनी चाहिए, फिर दूसरों को अच्छी लगेगी भाई। तो सिंपल सा यही है कि भाई पहले वीडियोस बनाओ और मजा आना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हम यूट्यूब पे कैसे वीडियोस बना सकते हैं, और टैग टाइटल तक हो गया पूरा, समझ लो भाई। तो मैंने यहां तक आपको क्लेरिफाई कर दिया है कि यूट्यूब पे जो वीडियो बनती है वो कैसे बनती है। और उसके बाद कॉल आ गया भाई, काफी सारे लोगों का मन है भाई यूट्यूब पे आने का, और मेरे ख्याल से यार कुछ बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया है यार यूट्यूब की फील्ड, कि आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो यार, जो भी आपको आता है, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बस अपने फोन के कैमरे से, और सिंपली बहुत सिंपल तरीके हैं, ठीक। ये होता है कि आपका एक कैमरा फेसिंग ठीक हो जाता है, कि हाँ कैमरे को आप फेस करना सीख जाते हैं, और एक बोलने का तरीका भी आ जाता है कि किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको समझाना है, तो एक जो होता है टीचर का वे, टीचिंग वे भी आपको आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ये है कि भाई हमें भी अच्छा अच्छा करना है धीरे धीरे, और इम्प्रूव करना है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि यूट्यूब से डालने से पहले आपको वीडियो एडिट करनी पड़ती है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे यार, मतलब 100 से ऊपर सॉफ्टवेयर हैं, पर मैं जो प्रेफरेंस देता हूँ वो फिल्मोरा, क्योंकि ये एक बेसिक एडिटिंग करनी होती है भाई। अगर आपको बहुत ही हाई क्लास एडिटिंग करनी है तो एडोबी सबसे बढ़िया है। एडोबी के बहुत सारे उसके अंदर, जैसे कि मान लो आफ्टर इफेक्ट और कुछ जो भी आफ्टर इफेक्ट और 2-4 इलस्ट्रेशन सबको मिला के बहुत अच्छी एडिटिंग हो जाती है। तो दो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, पावर डायरेक्टर और एक आ जाता है हमारे पास काइन मास्टर भी आ जाता है फोन के लिए, और फिल्मोरा। तो फिल्मोरा और पावर डायरेक्टर दोनों जगह है, फोन और पीसी दोनों के लिए। और मैं आज भी इन सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ क्योंकि इनके अंदर प्रीसेट्स मिलते हैं, कि आपको टेक्स्ट के प्रीसेट्स, ट्रांजेक्शंस बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, इफेक्ट्स मिल जाते हैं, और आप इजीली इसको ना यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो इसी से हमारी एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है, और मुझे तो काफी मजा आता है इनसे एडिटिंग करने में, क्योंकि भाई क्या बताऊं, मेरा इतना समय बच जाता है। और अब तो आजकल तो फिल्मोरा ने एक ऐसा सिस्टम निकाल दिया है कि आपकी जहां जहां ऑडियो खाली रहेगी वो अपने आप ही एडिट हो जाती है, तो हमें काटना ही नहीं पड़ता है। तो इतना आसान कर दिया है फिल्मोरा ने कि जो भी जगह खाली रहती है जहां पे ऑडियो नहीं होती, जैसे कि मैं रुका, तो ये एकदम उसको क्लियर कर देगा, कि जिससे जो हमारी ऑडियंस है उनका जो रिटेंशन टाइम है वो अच्छा रहे, और उनको मतलब लगातार ये ना हो कि काफी लोग करते हैं कि 1.5x पे वीडियो कर देते हैं, 1.5x या 2x फास्ट कर देते हैं वीडियो को। तो मैं भी कभी कभी करता हूँ जब मुझे लगता है यार ये क्या बोर कर रहा है। मैं भी आपको बोर कर रहा हूँ क्या? तो कुछ लोगों ने भाई, कुछ के बहुत सारे लोगों ने भाई सवाल पूछा था, तो मैंने बोला कि चलो यार आज बताते हैं और दिल खोल के बताएंगे। तो यहाँ पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी हो गए, थंबनेल बनाने के लिए आप पिक्सआर्ट या पिक्सलैब या बहुत सारे, आप कैनवा का भी यूज कर सकते हो, मैं कैनवा का भी यूज करता हूँ कभी कभी। तो आई थिंक मैंने एडिटिंग का भी सेक्शन कवर कर लिया, और अब हम आते हैं कि यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं। तो यूट्यूब एक 60-40 का रिवेन्यू रखता है, कि 40% यूट्यूब लेता है और 60% आपको देता है। तो वो इसलिए लेता है क्योंकि भाई हम जो वीडियोस डाल रहे हैं उसके सर्वर पर है, ठीक, और वो उन सब चीजों के लिए फीस नहीं रहता, तो ये फीस उसी के लिए होती है। क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जो मेरा पैसा आया है उसमें से कटेंगे, नहीं 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 भाई, जो आपको दिखा रहा है वो आप ही का है, जो कटने वाले होते हैं वो पहले कट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके पास 100 रुपए आए, 100 रुपए बने हैं,
तो आपके खाते में ही 60 रुपए भेजेगा और 40 रुपए अपने पास ही रखेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि ये नहीं किया, अगर आपके पास 60 रुपए आ गए हैं तो उसमें से और पैसे देने तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो आ गए वो आप ही के हैं, बस उसमें जो भी आपका जो ट्रांजेक्शन फीस होती है और USD टू INR जो भी कन्वर्जन रेट होता है कि आपका जो पैसा फॉरेन करेंसी से फॉरेन एक्सचेंज से चेंज होता है तो उस पर थोड़ा बहुत पैसा लगता है, 1-2% और हमारा जो भी पैसा होता है हम पेपल से या एडसेंस से रिसीव करते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब है वो गूगल का है और गूगल जो भी ऐड दिखाता है वो एडसेंस के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल एडसेंस है, तो उसी से जो भी एड्स का जो भी एड्स वॉच होते हैं तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। यूट्यूब पे भाई कोई लाइक कोई सब्सक्राइब किसी भी चीज के पैसे नहीं है भाई, ओनली एड्स के हैं। तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि 1000 व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लो कि अगर आपके ना 300 व्यूअर्स USA से हैं तो आपको $1 मिलेगा और वहीं आपके 10,000 व्यूअर्स इंडिया से हैं तो आपको $1 मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कितना डिफरेंस है कि अगर 300 लोग USA से देख रहे हैं तो $1 मतलब 65 रुपए, 65 बोल रहा हूँ, 72-73 रुपए कटने के बाद जो भी क्राइटेरिया सब कुछ ठीक, और अगर आपके 10,000 लोग इंडिया से हैं तो 70 रुपए 75 रुपए जो भी डॉलर का रेट चल रहा हो लमसम, कोई क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो चलता है ठीक है। तो इस तरीके से व्यूज के पैसे मिलते हैं और कभी कभी तो ये होता है कि अब तो यूट्यूब की चाइल्ड पॉलिसी आ गई है तो उसमें भी काफी दिक्कत होती है, पर वो सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वो सब आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा जैसे जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया। और हाँ, एडसेंस से पैसे कैसे बैंक में आते हैं वो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि बस आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है और एडसेंस आपके पैसे रिसीव कर देगा आपके बैंक अकाउंट में। तो बहुत आसान तरीका है भाई, आपको मैंने पूरी इस 10-20 मिनट की वीडियो में आपको पूरा सब कुछ बता दिया कि हाँ, क्योंकि अगर मान लो कि मैं इसी को अगर कॉन्टेंट वाइज लेता तो मैं कम से कम इस पर 10 से ज्यादा वीडियोज बना सकता हूँ कि यूट्यूब चैनल का नाम कैसे बनाए ये वो ऐसे करके मैं बहुत सारी वीडियोज बना सकता हूँ, पर यह है कि भाई ये सब वीडियोस पहले से क्रिएटेड है तो मेरा कोई फायदा नहीं है इसको बनाने का। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ जो कहीं नहीं है ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको, इसीलिए हमने पिछली वीडियो में अर्निंग रिवील करी थी कि काफ़ी लोग जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं वो आए, पहले लोग यूट्यूब की काफ़ी लोग अगर आपको बताएंगे भी अर्निंग कैसे है तो ऐसे बताएंगे कि भाई मैं एक मान लो कि मैं एक आईफोन खरीद सकता हूँ, iPhone 7 खरीद सकता हूँ या एक कार खरीद सकता हूँ, कोई आपको ये नहीं बताएगा कितने पैसे आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको YouTube का पेज अपना खोल के दिखाया कि कितने पैसे बनते हैं कि जिससे कि हाँ भाई मेरा और आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, और ऐसे ये भी रहता है क्लेरिफाई रहता है ट्रांसपेरेंसी कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी लोग बोलते हैं 1-2-3-4-5-6-10,000 रुपए मुझे मिले हैं पर उसका प्रूफ नहीं बताते हैं, पर मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाया है और इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता भाई मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने आपके सामने पूरा एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है, कोई इधर उधर नहीं कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं थोड़ा सा स्टिल बिजी हूँ इसीलिए आज हमने व्लॉग नहीं करा, पर सोचा क्यों ना व्लॉग नहीं करा तो क्या हो गया, कम से कम एक थोड़ी बहुत चीजें तो शेयर कर ही सकते हैं। बोलते भाई मुंह थक गया मेरा। तो दोस्तों आपको मैंने पूरी चीज क्लेरिफाई कर दी है और थोड़ा सा मोटिवेशन आप सभी के लिए कि यूट्यूब पे आने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, तो बस आपको भाई ट्राई करते रहना है और सक्सेस तो मिल ही जाएगी। तो काफी लोग पूछते हैं कि लक्की भाई मोटिवेशन कहाँ से मिलता है यार आपको, कि मेरे काफी दोस्त ही पूछते हैं कि यार मैंने वीडियोज बनाई मेरी तो चली नहीं। मैं पूछता हूँ कितनी वीडियो बनाई, बोलता है 5। मैं कहा 5 तो मैं रोज बना देता हूँ। तो डिपेंड ये करता है ना कि यार कि आप ट्राई कितनी बार करते हो। मैं सब चीज को ना मतलब इतनी बार ट्राई करो कि यार वो ऐसा हो ही ना कि ना हो पाए आपसे, इतनी बार ट्राई करो। देखो यार ज्यादातर दो रास्ते होते हैं लोगों के पास, या तो फेल या पास, मेरे दो ही रास्ते हैं पास और ट्राई। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो ही रास्ते होते हैं पास या ट्राई, फेल के नाम का तो कोई रास्ता ही नहीं होता यार। तो जब तक आपके मन में ये रहेगा आप वीडियोस डालते रहें ट्राई करते रहें, अगर आपको लग रहा है आप अपनी वीडियोस खुद से देख सकते हैं और खुद समझिए कि क्या दिक्कत आ रही है ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपने किसी दोस्त को बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वो आपसे पूछता है कि बता भाई क्या नाम है आपके तेरे यूट्यूब चैनल, अगर मान लीजिए कि आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया और अपने दोस्त को लिंक सेंड करा और उसके बाद आप सोचते हैं कि यार मेरा दोस्त क्या सोचेगा इसके बारे में, तो भाई आपका कॉन्टेंट अच्छा नहीं है ये मुझे पता चल चुका है।
कभी भी ये ना सोचेगी यार, दोस्त क्या सोचेगा, अगर आपने कंटेंट अच्छा बनाया तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता भाई। तो सबसे आसान तरीका है भाई, मैंने आपको बता दिया, एक माइक और एक ये ले लीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि आपको फेस दिखाने का मन नहीं है, तो आप फैक्ट चैनल खोल सकते हैं, मूवी रिव्यू चैनल खोल सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन चैनल खोल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक मूवी आई, ठीक है, तो बता दो कि गए और देख कर आ गए मूवी कैसी थी, और बता दो उसके बारे में कैसी कैसी मूवी थी। बहुत सिंपल तरीका और बहुत अच्छा, बूम पे भी चल रहा है। मैं खुद सोच रहा हूँ चैनल खोलने की, पर मेरे को टाइम ही नहीं है। आशा करता हूँ कि भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, और इस वीडियो में एक लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि मैंने इतनी सारी नॉलेज आपको कुछ चंद मिनटों में बता दी। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अगर आप इतनी नॉलेज को लेने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें, क्योंकि काफी सारे लोगों को यूट्यूब चैनल खोलना होता है पर उन पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो खोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए ललित भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फटाफट से आगे कमेंट में बताएं कि आपने कौन कौन से चैनल है, और लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जरूर देखूंगा आपकी वीडियोस को। तो इसी वीडियो को मैं यहीं पे करता हूं समाप्त, और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको चीजें बताऊं, क्योंकि मेरे को यार टाइम नहीं मिल पाता है, ना ललित भाई को मिल पाता है, ठीक। आपको पता ही है कि आजकल हमारा कैसे चल रहा है, ठीक है, कभी इधर गाँव में जाओ तो कभी दिल्ली रहो। तो हम आप लोगों के लिए पूरा सेपरेट कोर्स निकालने वाले थे, एकदम लाइव प्रूफ दिखा दें कि भाई कि हमारा एडसेंस कैसा है, मतलब कैसे हमने इसको मैनेज कर रखा है, कैसे हम इतने सारे चैनल मैनेज करते हैं। आप चाहेंगे तो भाई इसके लिए हम कोर्स, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए हम भाई कोर्स जरूर बनाएंगे। तो कमेंट मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कोर्स चाहिए होगा, ठीक है, और मैं आपको एकदम पूरा रियल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि यार इसमें बहुत टाइम लगता है, स्क्रीन को रिकॉर्ड करो और सब कुछ चीजें देखनी पड़ती है, कि कोई जीमेल ना दिख जाए, कोई पासवर्ड ना दिख जाए, ठीक। तो बहुत सारी चीजों को यार देख के करना पड़ता है, तो इसीलिए भाई मैं जब अकेले हूं तो नहीं करूंगा, क्योंकि ललित भाई यार मेरे से थोड़े ज्यादा एक्सपर्ट है ही भाई। ऐसी कोई बात नहीं है कि ललित भाई मेरे से एक्सपर्ट नहीं है, ललित भाई मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इसीलिए भाई जब एक्सपर्ट रहेंगे तभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पर मैंने आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया, और जैसे ही मैं गाँव पहुंचूंगा तो एक सेपरेट वीडियो बनाने की जरूर सोचूंगा, क्योंकि हमारा भी जाने का प्लान भी हो रहा है 10-20 दिन में, जनवरी एंड तक हम पक्का चले जाएंगे, क्योंकि यार जो पेपर रहे हैं वो सिस्टर के हो नहीं रहे हैं, किसी वजह से वो कैंसिल होते जा रहे हैं, फिर डेट पे डेट बढ़ती जा रही है और हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम ऐसे ही बैठे पड़े हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे ललित भाई के साथ, और फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।